राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं देवों के देव महादेव के बारे में और उनके शक्तिशाली मंत्र के बारे में, और जानेंगे कि महामृत्युंजय मंत्र शक्तिशाली क्यों है। इस बारे में आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो महादेव के भक्त हों और उनका महादेव के साथ में एक विशेष प्रकार का लगाव हो, और वो लोग हमारे इस वीडियो के साथ में बहुत ही अच्छे से कनेक्ट भी कर पाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र की शक्तियों के बारे में। शिव पुराण सहित कई ग्रंथों में महामृत्युंजय मंत्र के बारे में लिखा गया है। अगर शिव को प्रसन्न करना है तो इस मंत्र का जाप अच्छा माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, घायल हो गया हो, उनकी रक्षा के लिए इस मंत्र का संकल्प के साथ जाप करना असरदार माना जाता है। ग्रंथों का मानना है कि इससे अकाल मृत्यु के योग भी टाले जा सकते हैं। ये कई लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय भी बना हुआ है कि इस मंत्र में ऐसा क्या है जो ये इतना असरकार माना जाता है। इसके पीछे सिर्फ धर्म नहीं है, इसके पीछे पूरा का पूरा स्वर सिद्धांत है। इसे संगीत विज्ञान भी कहा जा सकता है या संगीत का विज्ञान भी कहा जा सकता है। महामृत्युंजय मंत्र की शुरुआत ओम अक्षर से होती है। इसका लंबे स्वर और गहरी सांस के साथ उच्चारण किया जाता है। इसी तरह पूरे मंत्र को पढ़ा जाता है, बार बार दोहराया जाता है। इससे शरीर में मौजूद सूर्य और चंद्र नाड़ियों में कंपन उत्पन्न होता है, और हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, उनमें एक एनर्जी का संचार होता है। इस संचार का प्रभाव मंत्र पढ़ने और सुनने वाले दोनों के शरीर पर होता है। नाड़ियों और चक्रों में जो ऊर्जा का संचार होता है, वह एक कंपन को उत्पन्न करता है, जिससे शरीर में शक्ति आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस तरह लंबे स्वर और गहरी सांस के साथ जो भी इस मंत्र का जाप करता है, वह सारी बीमारियों से मुक्त हो जाता है। ये सिर्फ धर्म और भक्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि साइंटिफिकली और मेडिकली भी प्रूवन है कि महामृत्युंजय मंत्र को सुनने से कई सारे मरीज ठीक हुए हैं। अब बात आती है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप कैसे किया जाए, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। रोज रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र के 108 जप करने से अकाल मृत्यु, असमय मौत का डर दूर हो जाता है। साथ ही कुंडली के दूसरे बुरे रोग भी शांत हो जाते हैं। इसके अलावा 8 तरह के दोषों का नाश होता है। सुख भी इस मंत्र के जाप से मिलते हैं। कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें महामृत्युंजय मंत्र का संस्कृत उच्चारण तो पता होगा, लेकिन हिंदी में इस मंत्र के बारे में नहीं जानते होंगे। चलिए महामृत्युंजय मंत्र का हिंदी अनुवाद जानते हैं। इस मंत्र का अर्थ है, हम त्रिनेत्र भगवान शिव का स्मरण करते हैं। आप हमारे जीवन की मधुरता को पोषित और पुष्ट करते हैं। जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर अमृत की ओर अग्रसर करते हैं। अब आप जान गए होंगे कि कैसे इस मंत्र के एक एक शब्द में पावर है, शक्ति है, और कैसे ये एक मैनिफेस्टेशन के जैसे भी वर्क करता है, जिससे हम भगवान का अनुसरण करते हुए सब कुछ मांग लेते हैं। जब भी आप इस मंत्र का जाप करें या किसी भी मंत्र का जाप करें, तो स्वच्छता शांति का जरूर ध्यान रखें। आराम से सही उच्चारण के साथ मंत्रों का जाप करना चाहिए। जाप करते समय कोई भी जल्दबाजी ना करें, फिर देखें कि मंत्र कैसे आपके जीवन को बदल देंगे। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल तनिक सुन लो को फॉलो करें, उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इस जानकारी को शेयर करें। राधे राधे, जय महाकाल।